हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ जिसकी अनबॉक्सिंग आपको वीडियो में दिख रही है। तो हम लोग एक ट्राई साइकिल है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि हमारी जो बेटी है उनको बर्थडे में गिफ्ट में मिली है। और इसके ये जो गिफ्ट है उनके मामा ने भेजा है और एक ऑनलाइन साइट से भेजा है, तो उसका नाम फर्स्ट क्राई है। तो आप अगर वहाँ से एक ट्राई साइकिल परचेस करते हैं तो आपको इस बड़े से बॉक्स में पैकिंग में मिलेगी जिस जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है। और वहाँ से उन्होंने जो हर एक पार्ट से वो प्रॉपर तरीके से पैक किया हुआ है जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। यस, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जैसे ही अपना नया वीडियो बनाऊँगी उसको यूट्यूब में डालूँगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको फ्रंट व्हील मिलता है, फेंडर मिलता है, नेक्स्ट में आपका रियर व्हील आता है, फिर आपका फ्रंट बास्केट मिलेगा, फिर फ्रंट हैंडल आएगा, उसके बाद मेन फ्रेम आएगा आपका इसमें, और फिर आपका गार्ड रेल आएगा, उसके बाद आपका पेरेंटल हैंडल आएगा, और फिर सीट आएगा, उसके बाद आपकी बैक सीट आएगी, उसके बाद आपका सीट कुशन मिल जाएगा और फिर टिंग टोंग बेल आएगा। चलिए तो अब हम इसको पूरा आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देते हैं कि ये जो पूरा सामान है वो आपका इस तरीके से आपको असेंबल करना है। चलिए अब मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेना है और उसमें फेंडर को लगा लेना है, उसके बाद फिर आपको मेन फ्रेम को लगाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आपको मेन फ्रेम को लगाने के लिए उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से। आप थोड़ा पुश करके लगाएंगे तो आराम से आपका जो मेन फ्रेम है वो इस तरीके से फ्रंट हैंडल से लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो रियर व्हील हैं उनको लगाना है जैसे कि आपको दिख रहे हैं वीडियो में इस तरीके से। उनको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा आपको बस वहाँ पे टक करेंगे तो आपका आराम से लग जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आपको जो फ्रंट हैंडल है उसमें जो फ्रंट बास्केट है आपका उसको इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है, आपको जैसे कि दिख रहा है वीडियो में इस तरीके से लगा लीजिएगा। ओके, चलिए अभी हमारा एक और रियर व्हील रह गया था उसको पहले हम लोग लगा लेते हैं इस तरीके से। आपको फिर अपना जो सेकेंड वाला रियर व्हील है उसको लगा लेना है जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है इस तरीके से आप लगा लेना। उसके बाद आपका जो फ्रंट हैंडल है, फ्रंट बास्केट है उसको साथ में लगा के फिर आप इसको फ्रंट व्हील के साथ मेन फ्रेम लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको लगा देंगे तो आपका जो फ्रंट वाला जो एरिया है वो एकदम कम्प्लीट हो गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आपको जो फ्रंट वाला एरिया है वो इस तरीके से आपको असेंबल कर लेना है जिस तरीके से आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, वहाँ पे आपको नट बोल्ट लेके बस उसको लगा के और वहाँ पे ना एकदम इसको टाइट कर देना है जिससे कि थोड़ा हिलने विलने का कोई डर ना रहे और बस हमारे बच्चे के लिए एक सेफ्टी हो जाए। तो बस इस तरीके से आपको लगा देना है और उसको प्रॉपरली टाइट कर देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से आप इसको टाइट कर दीजिएगा। बस इस तरीके से टाइट करने के बाद हमारा जो फ्रंट वाला एरिया है वो रेडी हो जाता है एकदम, जो फ्रंट बास्केट है, फ्रंट व्हील है, ठीक है, फ्रंट हैंडल है, यहाँ पे आपका सब कुछ प्रॉपर लग गया है। इस तरीके से बस टाइट कर देंगे तो आपका एकदम ये रेडी हो गया जैसे कि आपको दिख रहा है। चलिए अब हम लोग बैक साइड देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सीट लगाते हैं। तो यस, आपको जो बैक सीट है उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से। आप थोड़ा सा पुश करके लगाएंगे तो जो आपकी बैक सीट है वो इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा पुश करके लगाइएगा जैसे कि आपको दिख रही है वीडियो में, इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये आपकी बैक सीट फिक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे भी एक नट बोल्ट लगाना पड़ेगा जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से डाल के। आप इधर भी नट बोल्ट से उसको थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे तो बच्चे के लिए सेफ्टी हो जाएगी जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से। आप इसको प्रॉपर कस दीजिएगा और उसके बाद हम लोग सीट लगाएंगे तो सीट में भी आपको जो नट है उनको डालना है और प्रॉपर नट बोल्ट से आपको फिर सीट को भी इसी तरीके से कस देना है एकदम जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है इस तरीके से। आप वहाँ पे दो नट बोल्ट दिए हैं तो दोनों तरफ वहाँ पे छेद है, उस छेद में से अंदर डालेंगे फिर नीचे से आपको नट बोल्ट से उसको एकदम टाइट कर देना है जैसे कि आपको दिख रहा है
इस तरीके से आप सीट को एकदम टाइट कर दीजिएगा तो ये आपकी सीट लग जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है। इस तरीके से आप टाइट कर देना। ये तो हो गई आपकी सीट की बात। ओके, इस तरीके से आपको जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है लगाना है। उसके बाद आपका पेरेंटल हैंडल आएगा। इसके लिए भी उन्होंने जो पीछे एक साइड में होल दिया गया है, उस होल में जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इस तरीके से आप इसको सेट कर दिएगा और उस होल में आपको इस जो पेरेंटल हैंडल है इसको एकदम डाल देना है। तो इधर भी थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, या इधर भी आप थोड़ा सा पुश करके इसको डालेंगे तो ये आपका पेरेंटल हैंडल यहाँ पे आराम से लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप आराम से अपना लेफ़्ट साइड राइट साइड आराम से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए है कि बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा है तभी वो अपना लेफ़्ट राइट साइड का मूव नहीं कर सकता, तो ये हमारे लिए है। ओके, उसके बाद हम जो सीट कुशन है उसको इस तरीके से सीट में सेट कर देंगे जैसे कि आपको दिख रही होगी। इस तरीके से आप लगा दीजिए। यहाँ पर उन लोगों ने सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उन्होंने मस्त इधर प्रॉपर आपको बेल्ट दिए हैं। ओके, उसके बाद आपका जो गार्ड रेल आता है उसको लगा लीजिएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। वहाँ पर आपको गार्ड रेल को इस तरीके से फिक्स करना है और जो कुशन सीट है उसमें गार्ड रेल में भी जो फिक्स करने के लिए जगह दी है तो इस तरीके से आप अंदर डाल के आराम से मस्त जो गार्ड रेल है उसको फिक्स कर दीजिएगा। आपका गार्ड रेल को फिक्स करने के बाद जैसे कि कुशन उन लोग ने इधर इस तरीके से कुशन में जगह दी है तो आप यहाँ से अपना जो गार्ड रेल है उसको डाल देंगे और इस तरीके से सामने से इसको फिक्स कर देंगे तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी, उसको पकड़ने के लिए भी हो जाएगा और सेफ्टी वे इसमें भी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो मस्त ये हमारी जो ट्राईसाइकिल है वो रेडी हो गई है। ओके, यहाँ पे जो गार्ड रेल है उसको भी लगाने के लिए उन्होंने कुछ नट टाइप से दिए हैं जो कि प्लास्टिक के हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा पुश करके उनको अंदर डालना है, उनको कसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस तरीके से आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा तो ये आपका जो गार्ड रेल है वो फिक्स हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो डायरेक्शनल राड है उसको लेना है जो कि पेडल के पास एक छोटा सा होल उन्होंने दिया है, उस होल में आपको इस तरीके से डालना है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आप होल में इस तरीके से उसको डाल दीजिएगा और उसके बाद जो आपका जो फ्रंट व्हील है वहाँ पे ले जाके उसको आपको जो बोल्ट है उससे कस देना है जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप इसको होल में डालिएगा और फ्रंट साइड में लेके जाइएगा और इस तरीके से वहाँ भी एक होल है उस होल में डाल के जो बोल्ट है उससे उसको कस दीजिएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप कस देंगे। ये जो राड है इसको सिर्फ जो हमारा जो पेरेंटल हैंडल है उससे लेफ़्ट साइड राइट साइड मूव करने के लिए दिया है तो आप इस जो इससे जो लेफ़्ट साइड राइट साइड मूव करने में हेल्प हो जाती है तो इसको इस तरीके से कस देंगे। सबसे लास्ट में आपका टिंग टॉन बेल बजता है तो आपको इसको जो फ्रंट आपका हैंडल है वहाँ पर ले जाके जो टिंग टॉन्ग बेल है आपको इस तरीके से उसको एक नट दिया है, नट को ले जाके वहाँ बस उसको टाइट कर देना है तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए दिया है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो बचता है वो है आपका रियर बास्केट। तो जो बास्केट है इसको पीछे ले जाके वहाँ भी एक होल है वहाँ पर ले जाके आपको बोल्ट से बस इसको कस देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरीके से आप कस देंगे तो आपकी जो ट्राईसाइकिल है वो एकदम रेडी है जैसे कि आपको दिख रही होगी। और जो मेरी बेटी हैं वो छत में लेकर आ गई अपनी न्यू ट्राईसाइकिल को भी, साथ में अपना ड्राइवर भी लेके आई है जो कि उसके पापा हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अपनी जो फर्स्ट ट्राईसाइकिल राइड है वो काफ़ी इन्जॉय कर रही है। ओके, अगर आप इस ट्राईसाइकिल की क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, व्हील क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के मामले में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आराम से मेरी बेटी बैठी हुई है, उसको गिरने विरने का कोई टेंशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 2546 रुपये है जो कि हम लोग ने फर्स्ट क्राई से परचेस किया। उसकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा जो रिव्यू है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप कि ये जो रिव्यू है वो आपको हेल्पफुल होगा। ओके माई फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।